पंचायत पंडोघर में योजनाओं के नाम पर लाखों का घोटाला किया गया है, जिसकी पुष्टि प्रपत्रों के साथ तत्कालीन सचिव हाकिम सिंह यादव बडेरा ने भी कर दी कि किस तरह सरकारी पैसे का विकास के नाम पर बंदरवाट किया गया। वर्तमान पंचवर्षीय के अंतर्गत कागजातों में ग्राम पंचायत पंडोघर द्वारा खेल का मैदान सहित रोजगार गारंटी के अंतर्गत तमाम सीसी सड़कें निर्माण कराई गई, जिन पर गत 3 वर्षों में एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख रुपए के ऊपर खर्च बताया गया है। जबकि धरातल पर पंडोघर ग्राम में ना तो बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान बनवाया गया और ना ही कोई सड़क। आज अगर सड़क पर नजर डालें तो थोड़ी बहुत जगहों पर सड़क के नाम पर गड्ढे दिख जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई, जहां आधा फीट से लेकर 1 फीट ऊंचाई तक सीसी सड़क का निर्माण कराया जाना था, वहां महज 2 इंच गिट्टी डालकर एक खरंजा की शक्ल में सड़क का निर्माण करा दिया गया, जो कुछ ही समय में ध्वस्त हो गया। जबकि अब 3 वर्ष के अंदर पूरे ही ग्राम पंचायत की सड़कें कच्चे रास्ते में तब्दील हो चुकी हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर दबंगई के साथ सरकार को लाखों का चूना लगा दिया गया। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि जिम्मेदार विभाग द्वारा इन निर्माण कार्यों का सर्वे भी करा दिया गया, जिसमें सब कुछ ठीक दिखाया गया, जबकि हकीकत आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ना तो यहाँ सड़कें हैं और ना ही खेल का मैदान। हाँ, वहाँ कुछ शिलाएं जरूर देखने को मिल गई, जिनमें विकास कार्यों को दर्शाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा पैसा इन पत्थरों की शिलाओं को लगाने में ही खर्च कर दिया गया, क्योंकि और कुछ तो वहाँ दिख ही नहीं रहा था। नहीं है पर्याप्त मात्रा पे, बरसात में गप गप के लोग निकलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो स्कूल की गाड़ी भी आती है, ये पीछे रास्ता है, गाड़ी भी नहीं निकल पाती है। एक बार गाड़ी भी पलट गई थी, तो अभी ट्रैक्टर वैक्टर तो कर ही नहीं पाते हैं यहाँ से। ये पंचवर्षीय में जो 5 साल खत्म हो रहे हैं इस पंचवर्षीय की, इसमें कितनी सीसी डाली गई थी जो आप लोगों के पूर्णतया उपयोग में आ रही है? पूर्णता इस रोड के साइड तो कोई सीसी डाली ही नहीं गई है, डाली गई थी एक तो वहाँ पर 4-4 आग और मसाला लगा दिया गया है, और आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर उखड़ सुंदा गया है वो पूरा रोड। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला ने भांडेर मुख्य जनपद अधिकारी से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि तत्कालीन बडेरा सचिव हाकिम सिंह यादव ने जो बोला वह जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की पोल खोलने वाला था। मैं जब से पंडोघर में पहुंचा हूं, तब से मेरे के द्वारा पंडोघर में कोई भी राशि आहरण नहीं की गई, ना किसी नए काम को प्रारंभ किया गया। पूर्व सर्व सचिव सरपंच जीआरएस द्वारा जनपद सीओ की मिली भगत से मेरे पहुंचने के बाद नवीन कार्यों को स्वीकृति दी गई एवं लगभग 8 लाख रुपए, इसके पूर्व भी लाखों रुपया निकाल करके राशि आहरण की, और मौका पे जब देखा मैंने जाकर पंचायत में, तो वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं थी, मटेरियल नहीं था, ना ही कोई कार्य प्रारंभ थे। और जैसा भी श्रीमान को मैंने, कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत सीओ महोदय को, कमिश्नर साहब को मैंने निवेदन प्रार्थना पत्र लिखकर भेजा है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक प्रधान, विधायक या सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए चुनती है, जबकि यह लोग अपने विकास में लग जाते हैं। 5 साल के भीतर ही इनके पास सफारी और फॉर्चुनर जैसी गाड़ियां होती हैं, जबकि क्षेत्रवासी एक सड़क को भी मोहताज रह जाते हैं। उच्च अधिकारियों को ऐसे भ्रष्ट लोगों की जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा वह भी सवालों के घेरे में होंगे। भांडेर से आलोक शुक्ला की रिपोर्ट।